बेगूसराय पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली, जहां पुलिस ने कुख्यात इनामी अपराधी राजकिशोर उर्फ किशोर महतो व घोघन के नाम से प्रसिद्ध 1 लाख के इनामी अपराधी को धर दबोचा। आपको बता दें कि पूरा मामला बलिया थाना क्षेत्र के लखमीनिया रेलवे स्टेशन NH 31 के समीप नंद किशोर उर्फ राज किशोर महतो को पुलिस धर दबोचा, जबकि बेगूसराय जिले के यह फरार अपराधी नंद किशोर उर्फ किशोर महतो उर्फ घोघल के नाम से अपनी अपराध की दुनिया में मशहूर था। बलिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नेहा कुमारी के नेतृत्व में बलिया थाने की पुलिस एवं जिला सूचना इकाई बेगूसराय SATF की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता हाथ लगी, जबकि पहले भी उक्त अपराधी को बेगूसराय पुलिस अधीक्षक मनीष के निर्देश पर कई छिपने के संभावित ठिकानों पर छापामारी की जा रही थी, लेकिन पुलिस को उस समय कोई कामयाबी नहीं मिली पाई। पकड़े गए इनामी अपराधी के ऊपर हत्या, डकैती, अपहरण, रंगदारी, अवैध आर्म्स एक्ट जैसे कई संगीन मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इस गिरफ्तारी को पुलिस बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही, क्योंकि इस क्षेत्र में अब अपराध की गति धीमी होगी। SDPO बलिया नेहा कुमारी ने बताया कि मोस्ट वांटेड अपराधी की गिरफ्तारी से क्षेत्र में अब अपराध में अंकुश लगेगा। बेगूसराय से रविशंकर गण की रिपोर्ट, BT न्यूज बिहार। कितने मामले दर्ज है और कितना का इनाम है इस पर? ये गुप्त सूचना के आधार पे आज रात के लगभग 12:30 के आसपास में हमारी बलिया थाने की टीम और जिला की जो सूचना इकाई है और साथ में SDPO की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पे हमारे अनुमंडल के टॉप 10 अपराधी जिसका नाम नंद किशोर उर्फ राज किशोर उर्फ किशोर महतो है, इसने बलिया थाना में टोटल 14 केस आर्म्स एक्ट डकैती हत्या अपहरण समेत ये सब धाराओं में केस दर्ज है। टोटल 14 केस बलिया थाना में दर्ज है। इसकी कल गिरफ्तारी हुई है और ये पहाड़पुर का रहने वाला है। इसके अलावा जिले के अन्य थानों से इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री पता की जा रही है और हमारी टीम को बहुत बड़ी सफलता मिली है। ये 1 लाख रुपए का इनामी भी है। और मैम ये बताया जा रहा है कि मुखिया पति है, करंट मुखिया पति है, उसका क्या कहते हैं? जी, ये सूचना मिली है कि ये करंट मुखिया पति है जिसका इनके द्वारा इस अपने पद का अपने क्षेत्र में दुष्प्रभाव और लोगों को इससे ये लोग प्रभावित करके और गलत काम करते थे। इनपे टोटल बलिया थाना में आर्म्स एक्ट जैसे 14 मामले हैं। उसके अलावा विभिन्न थानों में भी पता करके इनका क्रिमिनल हिस्ट्री पता किया जा रहा है। नियरेस्ट मामला कब तक कब का है? इनके नियरेस्ट मामला 20 का है, 20-21 का। 1 लाख का इनाम का कब घोषणा हुआ था इसके लिए? ये हमारे SP सर के द्वारा पिछले 2-3 महीने पहले घोषणा हुई। इसकी गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस को इस सफलता को किस रूप में देख रही है? ये हमारे बलिया अंचल के लिए बहुत बड़ी सफलता है और इसके माध्यम से ये मैसेज जाएगा कि जो भी क्रिमिनल है अपने आप को जनप्रतिनिधि या फिर जो भी नेता के रूप में या फिर जिस तरह से भी अपने आप को छुपा करके गलत काम कर रहे हैं उसके आड़ में, तो उनके लिए एक हमारे अनुमंडल पुलिस के तरफ से हमारे पुलिस टीम के तरफ से एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है कि गलत काम ना करें, क्योंकि किसी भी तरीके से वो पकड़े जाएंगे, बचेंगे नहीं। हमारी SDPO की भी जो टीम है वो लगी हुई है और हमारी जो अनुमंडल की पुलिस है, बलिया पुलिस है, वो हर क्रिमिनल के पीछे पड़ी हुई है। आज नहीं तो कल जो भी है उसकी गिरफ्तारी होनी एकदम निश्चित है। PNP ज्वेलर्स के मामले में भी आपने दावा किया था कि सामान की बरामदगी होगी, उस दावे में कितना कुछ हो पाया? अभी तक हम लोग को जहां तक लेटेस्ट इसमें जानकारी है कि दो मुख्य आरोपी जो सरेंडर किए हैं उस पर रिमांड लेने की प्रक्रिया अभी प्रोग्रेस में है। रिमांड लेने के साथ उनसे पूछताछ करके सामान की रिकवरी की जाएगी। ये किशोर कुमार जो गिरफ्तार हुआ है किस मामले में गिरफ्तार हुआ है? ये बलिया थाना इतना केस है, ये सब तो मान लीजिए दूसरे केस में बेल पे भी होगा और उसमें है। ये हत्या और अपहरण में 2021 और 20 के खराब।